तो गाइस ये देखिए संतरे की हम नई रेसिपी बनाएंगे। और सबसे पहले हम संतरे का जूस निकालेंगे। ये हम किन्नू या संतरा कुछ भी ले सकते हैं। तो ये देखिए मैंने किन्नू को मिक्सी के जार में डाल लिया है। एक और किन्नू डालेंगे और इस तरह से काट कर ये देखिए बीज हटा लेंगे इनके हम, और इनको मिक्सी के जग में डालेंगे। इसमें पानी वगैरह कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मिक्सी के जग संतरे में काफ़ी सारा जूस होता है। तो ये इस बिना पानी डाले हम इसको पीसेंगे। तो इसको पीस लेंगे। तो गाइस इसको पीस लिया है, सिर्फ 2 सेकंड लगे हैं इसको पीसने में। तो जूस हमारा बनकर तैयार हो गया है। और ये देखिए अब इसको हम छलनी से छान लेंगे, ताकि जो इसका जो एक्स्ट्रा थोड़ा पल्प है वो बाहर हो जाए। अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें संतरे के कोई भी छिलके नहीं हैं, सिर्फ सॉफ्ट वाला पल्प ही इसमें आया है, थोड़ा बहुत अगर आया है तो। और इसको छान लेंगे। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता इस तरह से जूस बनाने से। छानने से क्या होता गाइज, अगर बीच में एक दो जो बीज थे वो भी निकल जाएंगे। और ये देखिए जो पल्प है ये तो बिल्कुल सॉफ्ट है, ये देखिए एकदम प्योर जूस है, ताज़ा फ्रेश। और इसमें हम चाहे तो नमक डाल सकते हैं, और इसमें कुछ भी नहीं डलेगा। तो गाइज ये देखिए जूस मैंने बना दिया है। और इसी तरह से आप घर पर मिक्सी में सिर्फ 2 मिनट में जूस बनाइए, और ज़्यादा झंझट करने की भी ज़रूरत नहीं है जूसर वगैरह में। आजकल मिक्सी में ही जूस बन जाता है बहुत अच्छी तरह से। तो गाइज ये था मेरा आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लग जाए तो आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइज़।